भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार ने इसराइली सॉफ्टवेयर फिकॉसिस के जरिए इन 25 कश्मीरी रहनुमाओं की जासूसी की जो दिल्ली की सरकारी पॉलिसी को तस्लीम नहीं करते। ये अमल सन 2017 से 2019 तक जारी रहा और इस अमल में भारत की एक ऐसी एजेंसी मुलविस थी जो इसराइल के SSO ग्रुप की खिदमात हासिल करती है। कुल जमायती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैयद अली शागिलानी के खानदान के 4 अफराद के फोन को भी हदफ बनाया गया। इन अफराद में सैयद अली गिलानी के दामाद सहाफी इफ्तिहार गिलानी और इनके साइंसदान बेटे नसीम गिलानी भी शामिल थे। ये ही नहीं बल्कि कुल जमायती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबरा मीर अवगास का फोन भी निशाने पर था और इनके ड्राइवर और इंसानी हकूक के रहनुमा वकार भट्टी के फोन को भी हदफ बनाया गया। साथ ही हुर्रियत पसंद रहनुमा बिलाल लोन और ऐसे और गिलानी के फोन का भी तजिया किया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खानदान के 2 अफराद के फोन की भी जासूसी की गई। ये एकदम ऐसे वक्त किए गए जब महबूबा मुफ्ती मकबूजा अकबादी की वजीर आला थी। साथ 5 कश्मीरी सहाफियों के फोन की भी जासूसी की गई। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN News Live।